ये नीचे मोर हैं छुपने की जगह मिल जाती है। आपको कुछ नज़र आ जाए चलते हुए, ये नीचे सांप और कीड़े ढूंढते हैं, छुपने की जगह भी है इनके। इन्हें खतरा भी रहता होगा नीचे तो, क्योंकि एकदम से निकल नहीं पाते ना। वो देखिए वो आ गया बाहर। देखिए कितना खूबसूरत मोर है। ये देखिए एक और आ गया। ये पंचक्की थी जो पुराने टाइम में घट कहते हैं। हाँ, पानी से चलती थी। अच्छा। उसमें आटा मतलब बनता है गेहूँ पिसाई। अच्छा, तो वो आजकल पत्थर जो है हटा दिया इन्होंने, तो इसमें ऊपर से पानी चलता है। वो लकड़ी का पनेला लगा रखा है धार वाला। हाँ, तो नीचे इसमें फिर पत्थर घूमता है। अच्छा, देखिए दोस्तों पेड़ के नीचे बना हुआ है और ठंडक भी रहती है। इसकी लोकेशन देखिए, इसको कहीं भी बनाया जा सकता था लेकिन इसको पेड़ के नीचे ही बनाया गया, ठंडक रहे। हाँ, ताकि पानी ठंडा रहे। बाप रे, बहुत घना पेड़ है ये। देखो मेरे ख्याल से लेपर्ड ऐसे पेड़ों पे बैठना पसंद करता है। हाँ, इसकी छाल होती है नरम। अच्छा, इसमें जो है चुभने में आसानी होती है पकड़। ओके, इन ऐसे पेड़ों में बहुत चढ़ता है लेपर्ड। जी दोस्तों, ये देखिए अभी मदन जी ने ये पत्थर ढूंढा है। चलो, और बिल्कुल ले आओ सर इसको, शिव जी की मूर्ति के जैसा है? ये लग रहा है। हाँ। चलो वहाँ रख देंगे मंदिर में। वो कह रहे हैं कि इसको ले चलते हैं उनके कॉटेज में, जो मंदिर है भोले जी का, वहाँ पे इसको ये रखेंगे। आवाज आ रही है? बकरी वाले हैं, बकरी चराने जाते हैं। वो तो अभी वहां से निकले थे कॉटेज के पास से। बकरी वाले, लकड़ी वाले, ये जब यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ है तो जमीन से निकला है ये कलर। अब ये क्या चीज है समझ में नहीं आ रहा है। इसका रस्टेड का कलर है, बहुत डार्क। और यहाँ पे पत्थर भी है, उससे भी बहुत दोस्तों। नदी नालों में एक चीज देखने को मिलती है कि यहाँ आपको उस वैरायटी के डिफरेंट टाइप के पत्थर मिल जाएंगे जो कि अलग अलग जगह से आए हुए लगते हैं। ये लिक्विड से वहाँ निकला थी वो चिपचिपा। कुबेर जी उसको छू के देखना, वो किस उसका स्मेल कैसी है। तेल जैसी तो नहीं है इसकी, वो देखो तेल जैसा कलर आता है। तेल नहीं है। हाँ। नहीं नहीं, गीला है बिल्कुल, कीचड़ उसका। हाँ, कीचड़ वहाँ पे तो निकलता है, खराड़ गांव के जो लैंडस्लाइड होता है। हाँ, एक बार इसको स्मेल करना जरा, इसमें चूने की मात्रा होती है नमक के। एक बार स्मेल करना खाली। कुबेर जी को भेजा है मैंने क्योंकि वहाँ एकदम गीला भी निकल रहा है। हमें देखना चाहते हैं कि इसकी स्मेल कैसी है। ऊपर ऊपर देखो, ऊपर ऊपर कुछ लावा जैसा जैसा नहीं होता, लावा तो बहता है। चमक रहा है, चमक रहा है। ये देखिए चमक रहा है, है? कोयली जैसा है ना, कोयला है। दोस्तों ये ऊपर से हम नीचे उतर के आए हैं। अभी सामने सड़क नजर आ रही है तो अब थोड़ा चैन में चैन आया है। नाले के अंदर इसको नाला बोलते हैं, ये पहाड़ी झरना आप कह सकते हैं इसके अंदर। और ऊपर देखिए क्या व्यू है, कितना सुंदर व्यू है। और हम लोग इस पत्थर का जो सेब है ना, सेम शिव जी की मूर्ति पर है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बहुत सुंदर। साइड पोज से भी लग रहा है। हाँ, जैसे साइड से आप देखोगे ना, जैसे हाँ, शिव जी की जटाएं होती है ना पीछे। हाँ, वैसे उस वैसे उस टाइप का लग रहा है, जैसे बाल जलाएं, बाल की जटाएं होती है। दोस्तों पत्थरों में तो कितनी आकृति निकल जाती है। दोस्तों यहाँ से हम गए थे और ऊपर पूरा घूम के, और वहाँ ऊपर पहाड़ के पास से होके ये नाला था वहाँ, और नाले के साथ साथ 600-700 मीटर लगभग हम पैदल चल के आ रहे हैं।
ये पेड़ रखा है ऐसे या नेचुरली आ गया है यहाँ पे, मतलब आया तो आपने? ऊपर ये लैंडस्लाइड हुआ ना, अच्छा ये लैंडस्लाइड हुआ होगा, साल का पेड़ जो है अच्छा गिर गया, ये गिर गया दोस्तों। ये देखो गांव गांव में पानी पहुँचाने के लिए ये पाइप स्रोतों पे लगी होती है, और ये टाइगर भी इसी को शेयर करता है, इसी स्रोतों का जो ऊपर हमने पानी देखा था उसी को गांव वालों के साथ शेयर करता है, क्योंकि पहाड़ों में भी जो स्रोत हैं वो भी लिमिटेड हैं, और यहाँ जो गांव वाले हैं उनको भी पानी यहीं से मिल पाता है, यही जरिया है। फिर ये इधर चले जाता है यहाँ से नीचे, फिर नीचे, वो वहीं तक निकलेगा आपके वहीं पे, है ना? यहाँ से तो नहीं गए होगे नीचे कभी? नहीं यहाँ गए नहीं, लेकिन चले जाएंगे क्या? हाँ नहीं, वैसे कह रहा हूँ। ये देखिए ये शॉर्टकट है, अगर आपको लॉन्ग कट से गांव घूमते हुए आना है तो 500 मीटर है, आप नीचे रोड पे आएंगे वहाँ गाड़ी लेके आएंगे। अच्छा कुबेर जी के साथ चलो, आओ आ जाओ कुबेर जी, फिर चलो। पानी की बोतल रखो, एक दे दो, ये लो, ये बिस्ले दिए, कोई भी दे दो, ये दे दो, दोनों क्यों कैरी करोगे? इसलिए ठीक है ठीक, चलो आप लोग आओ, मैं नीचे मिल रहा। हाँ हाँ हाँ, साकेत जी शॉर्टकट से ऊपर रास्ते से निकल गए और मैं कुबेर जी के साथ, यहाँ गांव वाले रास्ता जो है सीधा जाता है। ये जैसा कि कुबेर जी ने पहले बताया था कि करीब 20-30 साल पुरानी ये सड़क है, पत्थरों से गवर्नमेंट ने बनवाई थी जब ऊपर ऊपर के गांव में लोग जाते थे। अब ये रास्ते बहुत कम इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ऊपर से कनेक्शन हो गया है गाँव का सड़क से, नया रोड खुल गया, नया रोड बता रहे हैं, आना जाना बंद हो गया। हाँ ये तो हमारे जैसे भूले भटके लोग, ये गांव से जो लकड़ियां बीनने जाते हैं लोग, या ऊपर स्रोत पे किसी को काम पानी के लिए जहाँ लगाना लकड़ी बकरी वाले, हाँ वो लोगों का रास्ता है ये। और बाकी टाइगर और लेपर्ड का तो ये है ही, क्योंकि टाइगर भी खुले एरिया में घूमना पसंद करता है। ये किस चीज़ का पेड़ है? ये हल्दू का पेड़ है। अच्छा ये देखिए ये हल्दू का पेड़ है, नाम तो बहुत सुना है पर कभी आइडेंटिफाई अपने आप नहीं कर पाते हम। पीला कलर होता है इसका हल्दी की तरफ। अच्छा इसका जो छिलका होता छिलका, है हाँ। वो पीला कलर है इसलिए हल्दू इसका नाम, छाल का जो छाल होती है। हाँ, छाल होती है। अच्छा यहाँ फल वाले पेड़ हैं कुछ? फल वाले पेड़ एक तो जामुन है, हाँ पवन है, जैसे ये जामुन है। अच्छा हाँ, पर शाम को फल आता है। इतने छोटे में आ जाता है? नहीं इतने छोटे में नहीं, वो अच्छा। कटिंग कर दिया, पेड़ बहुत बड़ा था, कटिंग कर दिया। अच्छा कई पेड़ है फल वाले भी, जंगली जानवर बंदर लंगूर। दोस्तों आगे हमारे कितनी सारी बर्ड्स फॉरेजिंग कर रही है यहाँ पे, बहुत छोटी बर्ड्स हैं, कैमरे में ले सकता हूँ लेकिन इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, बर्डिंग का तो अलग ही कैमरा होता है। ये नीचे प्लेन एरिया है ना? हाँ जी। वो भी हल्दू का पेड़ है जो अलग से, एक सिंगल नजर आ रहा है वो वाला, अलग से ये वाला, वो वाला। नीचे से आवाज आ रही है ना? गांव से आ रही है। अच्छा गांव, गांव है पार्क में। अच्छा ये आ गया भलवन का अमगरी गांव, भलवन का अमोली गांव, अमोली गांव। हाँ भलवन। अच्छा भलवन में ही आता है, भलवन में ही आता है, वो छोटा सा कस्बा है ये। और ये है उसका सिमल का, सिमल कांटे होते हैं इस पेड़ पर। अच्छा इसका जो तना है उस पे कांटे हैं ये? हाँ ये सारे कांटे, इसमें आदमी चढ़ नहीं पाता है। ओके सिमल का पेड़ है और इसका फूल भी बिकता है, कोई अच्छा। दवाई के काम में आता है। अच्छा हम लोग इसकी सब्जियां भी खाते हैं बरसात में, फूल की? हाँ फूल की। अच्छा हाँ। बरसात में होता है? बरसात में होता है।
और ये इसमें क्या, ये जाला से लगा हुआ है इस? हाँ, ये जाला लगा हुआ है। अच्छा, मकड़ी का जाला लगा हुआ है। ये भगाने के लिए है। हाँ, ये बरसात में जैसे फसल तैयार हो जाती है, वाइल्ड बोर। देखिए दोस्तों, ये जो कपड़े लटक रहे हैं, ये सब गांव वालों ने लटका रखे हैं, और साथ में घंटी की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी हवा चलने पे। ये वाइल्ड बोर और हिरन वगैरह जब आ जाते हैं यहाँ फसल खाने, तो उनको भगाने के लिए होते हैं। हवा अच्छी चलती है, और अभी नीचे ये घंटी की आवाज़ काफ़ी ऊपर से आ रही थी, मैंने सोचा कोई गाय वाय होगी, लेकिन यहाँ देखा ये तो गेहूँ बो रखा है। हाँ, ये गेहूँ बो कर रखा है, तो इसकी रखवाली देखिए, अभी इन्हें 4 महीने रखवाली करनी पड़ेगी इसकी। ये कौन होंक रहा है डॉग ऊपर? गांव का डॉग है। जाएंगे अपने जो रिजॉर्ट बन गया है, इसी रोड से निकलेंगे। इस रोड से निकलेंगे। हाँ, ये पंचक्की थी जो पुराने टाइम में घट कहते हैं। हाँ, पानी से चलती थी। अच्छा। इसमें आटा मतलब बनता है, गेहूँ पिसाई। अच्छा, तो वो आजकल पत्थर जो है हटा दिया इन्होंने, तो इसमें ऊपर से पानी चलता है, वो लकड़ी का पनेला लगा रखा है धार वाला। हाँ, तो नीचे इसमें फिर पत्थर घूमता है। अच्छा, तो ये सिस्टम बंद हो चुका है, ये खाली एक निशानी रह गई है। अच्छा, ये देखो, पर पानी इसमें घट जिसे बोलते हैं, अब तो नहीं आता पानी इसमें ना, अब ये बंद भी हो गया क्यों, मशीनें चल गई हैं, बिजली मशीनें चल गई हैं। हाँ, जनरेटर वाली, पर पानी तो देखो नेचुरली आएगा जब। हाँ, बरसात में आएगा। अभी पानी का स्रोत कम हो गया ना। हाँ, आपने देखा होगा वही नाले से आता है। हाँ, वही उतना पानी है, तो यहाँ क्या आएगा। बरसात में जो है ये चलता था, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। अच्छा, अब इनका टाइम खत्म हो गया, पुरानी ब्रिटिश टाइम से लगे हुए हैं, उससे पुराने भी होंगे। अच्छा। हाँ, ये तब का बना हुआ है? नहीं, मतलब ये बाद में बना होगा, मतलब घाट वो मतलब उस टाइम के हैं। अच्छा, पनघट जिसे बोलते हैं। और यहाँ से फिर ये पानी नीचे से निकल जाता था, निकलता है नीचे, इसमें कोई चीज लगी होती है लकड़ी का, वो घुमाता है उसको। हाँ, पानी का प्रेशर आता है, पानी उसको घुमाता है जी, और फिर वो चक्की वगैरह घूमता है, वो जो है आटा बनाता है। अच्छा, तो ये लकड़ी तो बहुत ही पुरानी लग रही है। जी जी जी, है ये पुराना ही है। हाँ, मतलब 25-30 साल तो हो ही गए होंगे इसमें। हाँ, कम से कम। और ये पेड़ किस चीज का है? जिसके घास का पेड़ है, कोई गेठी बोलते हैं। गेठी? हाँ, गेठी हमारे भाषा में गेठी। अरे बाप रे, बहुत पेड़ है ये। देखो, मेरे ख्याल से लेपर्ड ऐसे पेड़ों पे बैठना पसंद करता है। हाँ, इसकी छाल होती है नरम। अच्छा, इसमें जो है चुभने में आसानी होती है, पकड़। ओके, इसमें इन ऐसे पेड़ों में बहुत चढ़ता है लेपर्ड। जी, ये थोड़े से मेरे ख्याल से ऊंचाई पे ज्यादा ऐसा लगता है होते हैं ये। हाँ, घास वाले तो ना। हाँ, ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों पे देखे। हाँ, हैं, इनमें घास लगी होती है तने में, इसमें से ही बता। ये आम के पेड़ है, वो कटहल का पेड़ है। अच्छा, ये वाला। हाँ, इसके नीचे सेंटर में दो कटहल का पेड़ है, ये आम के पेड़ है। अच्छा, ये आम के पेड़ है। दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ अभी इंटैक्ट है, तो जितना जल्दी हो सके आप ऐसी जगह को एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये कब तक रहेंगे कुछ पता नहीं, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है। ये गौशाला, रात को तो इनको अंदर कर देते होंगे। बाहर तो टाइगर काम कर जाएगा। दोस्तों, गांव में एक चीज तो है कि लोग उतनी ही चीजों को यूज करते हैं जो वाकई में उनकी जरूरत की होती है, और बाकी जो पेड़ पौधे या वाइल्ड लाइफ है वो आम की जड़ देखो, पूरी जड़ है ये। अच्छा, चारों तरफ। दोस्तों, ये देखो, ये आम का पेड़ है, क्या कमाल की चीज़। और जड़ देखो इसकी कितनी बाहर निकली हुई है, सब जड़ है, नीचे तक पूरा ओपन जड़ है। ये सब जहाँ जो जो आपको नजर आ रहा है, ये सब इस पेड़ की जड़ है।
इसमें फल वल लगते हैं? फल लगते हैं। अच्छा। हाँ, फल लगते हैं। कलमी आम नहीं है, मतलब कलम नहीं है ये। अच्छा। ये नेचुरल, वो मतलब जो पुराने समय कलम नहीं होती थी उस टाइम के होते। अच्छा। पुराने पेड़ हैं। और ये क्या घास से लगा? घास का कट्ठा रखा हुआ। अच्छा, करके कट्ठा कर। ये घास कहाँ से लेके आए? ये गांव का ही खेती से। खेती से। हाँ। कौन सी फसल की है ये? ये धान का। धान की है? धान की पराली है। अच्छा, पराली जिसको हम बोलते हैं। आजकल दिल्ली वाले तो पराली को अच्छी तरह समझ गए हैं क्या चीज होती है। और ये क्या बना हुआ है? ये टैंक है पानी का। अच्छा, पानी का टैंक है ये। वहाँ भी बना हुआ है आपके ऊपर से नजर आता है? अच्छा, गवर्नमेंट ने बनाया है ये? गवर्नमेंट ने बनाया। तो पानी कहाँ से आता है इसमें? पानी वो टोंटी लगी हुई है? नहीं, वो तो अभी तो खत्म कर दिया ना, बंजर कर दिया। अच्छा, पहले इसमें पानी की पाइपलाइन होगी अंदर। अच्छा, अंदर। अच्छा, अंदर से पानी, नीचे से पानी आता था पाइपलाइन से? भरता है ये, ऊपर तक भर जाता होगा। तो इसको मतलब सिस्टम खत्म कर दिया। अब और लाइन ये क्या पशुओं वगैरह के लिए यूज करते थे? पशुओं के लिए है ना। अच्छा, देखिए दोस्तों, पेड़ के नीचे बना हुआ है और ठंडक भी रहती है। इसकी लोकेशन देखिए, इसको कहीं भी बनाया जा सकता था लेकिन इसको पेड़ के नीचे ही बनाया गया, ठंडक रहे। हाँ, ताकि पानी ठंडा रहे और पशुओं को ठंडा, क्योंकि दोस्तों पहाड़ जरूर हैं लेकिन यहाँ भी जब गर्मी पड़ती है तो खूब पड़ती है। हाँ। ये कितना पुराने पुराने मकान है? पुराने मकान है ना। हाँ। ये तो गौशाला बना रखी होगी। ये जो है बहुत पुराना मकान है। अच्छा। वो नए बनाए हुए हैं, 50-60 साल हो गए ना। 60-70 साल से कम का मकान है शायद, एक पीढ़ी शायद। अच्छा, एंडी होगी होगी। हाँ। और ये बंदी है? बंदी है ये, शायद गौशाला बना रखी है। उन लोगों ने अपना ये घर बना दिया, नया घर बना दिया। अच्छा, ये क्या नाम बताया था इस गांव का? अमोली। अमोली भैलोन का एक कस्बा है। कस्बा है। अच्छा, भैलोन में कितने विलेज हैं यहाँ? भैलोन में एक तो ये अमोली हो गया, एक भैलोनी हो गया। अच्छा, दो आते हैं भैलोन में। अच्छा, दो विलेज आते हैं, ये कस्बा हो गया एक तरह से साथ का। जी, यहाँ थोड़ी सी प्लेन जगह जहाँ बन मिल जाती थी पहले टाइम में, वहाँ लोग बस इजीली बच जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं आने वाले टाइम में ये बचेंगे कि नहीं, यहाँ भी रिसोर्ट ही ना बन जाए कहीं, है ना। जिस हिसाब जिस रफ्तार से यहाँ जमीनें बिक रही हैं, है ना दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे जमीनों का रेट क्या पहुँच चुका है। एक एक करोड़, डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपए में यहाँ पे कुछ विला बनाना है या गेस्ट हाउस बनाना है तो ये रेट हो चुका है यहाँ पे। दोस्तों ये नीचे मोर हैं, छुपने की जगह मिल जाती है, आपको कुछ नजर आ जाए चलते हुए। ये नीचे सांप और कीड़े ढूंढते हैं, छुपने की जगह भी है इनके। इन्हें खतरा भी रहता होगा नीचे तो, क्योंकि एकदम से निकल नहीं पाते ना। वो देखिए, वो आ गया बाहर। देखिए कितना खूबसूरत मोर है। ये देखिए एक और आ गया। दोस्तों इस विलेज में तो मोरों की भरमार है। ये देखिए, ये खेत में चले गए हैं। दोस्तों ये टाइगर लेपर्ड्स के बारे में यही सबसे पहले बताते हैं। कॉलिंग करते हैं। दोस्तों देखिए कितने दूर दूर तक खेत बना रखे हैं लोगों ने। दोस्तों कुबेर जी के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन अभी इन्होंने अपने बारे में मुझे एक नई बात बताई है
गुड़गांव भी रह चुके हैं और वहाँ हीरो हांडा में ठेके पे काम भी कर चुके हैं। तो मैंने तो सोचा था कि शायद इन्होंने कभी गुड़गांव या दिल्ली देखा भी नहीं होगा, लेकिन ये तो हमसे भी ज़्यादा तेज निकले, लेकिन इन्हें यहीं अपना घर ही अच्छा लगा और ये यहाँ वापस आ गए अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद मेरे पिताजी फॉरेस्ट में थे। हाँ अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने पिताजी के साथ काम कर। अच्छा। फॉरेस्ट में। अच्छा। फिर वैसे काम करा 8-10 साल उसमें भी रहा फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में जाना ज़्यादा कुछ नहीं होती थी वर्क करके, तो छोड़ दिया मैंने वहाँ से। फिर मैंने कुछ दिन खेती बाड़ी का काम करा। फिर उसके बाद मैं रावत में लग गया। अच्छा। अभी यहाँ ही ज्वाइन है, देखो आगे क्या होता है। आगे इससे अच्छा ही होगा।